हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे पालो ऑल्टो के मैनेजमेंट इंटरफेस पे जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस चल रही होती है उसे चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे ये पालो ऑल्टो फायरवॉल है मेरा और आप इस पे वेरीफाई कर सकते हो। पालो ऑल्टो के मैनेजमेंट इंटरफेस पे जो बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस चल रही होती है पहला वेरीफाई करो, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इसके मैनेजमेंट इंटरफेस पे डिफॉल्ट आईपी एड्रेस चल रही है 192.168.1.1 और ये मास्क है। अगर मुझे ये डिफॉल्ट मैनेजमेंट आईपी एड्रेस को चेंज करना हो तो क्या करना है मुझे? कमांड मेरे पास है, पहले मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। ओके, अब हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं तो यहाँ कमांड होती है क्या, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल मुझे देना है 199.199.199.1, या मुझे टाइप करना है नेट मास्क, सो मुझे इसका मास्क देना है। आप इसको डिफॉल्ट गेट पे भी प्रोवाइड कर सकते हो इस मैनेजमेंट इंटरफेस को। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 199.199.199.10। टीएनएस की सेटिंग कर सकते हो यहाँ पे, डीएनएस सेटिंग, सर्वर्स, प्राइमरी। फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी है 199.199.1 और जो सेकेंडरी है आपका वो 8.8.8.8। ये आपकी कमांड है सेट डिवाइस कॉन्फिग सिस्टम आईपी एड्रेस, देन आपको आईपी एड्रेस देना है, देन नेट मास्क के साथ आपको मास्क प्रोवाइड करना है डिफॉल्ट गेट में, और ये आपका डिफॉल्ट गेट पे का आईपी एड्रेस। डीएनएस की सेटिंग, सर्वर प्राइमरी डीएनएस सर्वर ये है, सेकेंडरी ये है। जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन डन कर लिया आप एंटर कर लो। पालो ऑल्टो फायरवॉल के अंदर आपको पता है जब भी आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हो तो आपको कमिट लिख के एंटर प्रेस करना होता है कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो अभी मैंने कमिट प्रेस किया हुआ है, अब आप वेरीफाई करो अगर विद शो इंटरफेस मैनेजमेंट कमांड से। थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है, हम अगेन वेरीफाई करेंगे इंटरफेस मैनेजमेंट का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या था 192.168.1.1 और अब हम वेरीफाई करेंगे। वेट, शो इंटरफेस, वेट, हमें थोड़ा सा बाहर आना है यहाँ पे। शो इंटरफेस मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो हमने चेंज किया था 199.199.199.1, देन मास्क आपका और ये डिफॉल्ट गेटवे। तो ये कमांड हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी एड्रेस चेंज करने के, जो डिफॉल्ट चल रही होती है क्या 192.168.1.1, और उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लियर?